नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं गांव कोटपराड़ी का निवासी हूं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हमारे यहां का बस का रूट भी बंद पड़ा हुआ है। वो इसलिए बंद है क्योंकि यहां पे जो हमारे टावर लगा हुआ है, जहां पे फाइबर बिछने का काम चला हुआ था, फाइबर बिछने का काम पूरा हो गया। काम बड़े जोर शोर से चला हुआ था, रात दिन एक कर दिया उन्होंने नालियाँ निकालने में। जैसे इनका काम ख़त्म हुआ वैसे उन्होंने नालियों को खुला छोड़ दिया। रात को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाती है, रात दिन को ये रोड काफ़ी चलता है हमारा। अगर बाई चांस कोई गड्ढे के बीच गिर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवा जाए। नहीं तो अगर 15 दिन का टाइम देते हम, 15 दिन के अंदर अगर ये काम ठीक नहीं हुआ तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। पंचायत की वार्ड मेंबर वार्ड नंबर 4 से मैं विभाग से यही अनुरोध करती हूँ कि हमारे यहाँ सड़कें जो नालियाँ पड़ी है बहुत ही ख़राब, खड्डे बड़े जगह जगह में, मुहाड़ी टू कोटपलाड़ी। बस विभाग से यही अनुरोध है मेरा कि इन सड़कों का जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि बस लग सके। और जो सारे हैं वो किराए के कारण ही सभी बोल रहे हैं, तो यही है कि बस का और इन सड़कों का निवारण किया जा सके। ग्राम पंचायत कोटपलाड़ी, मैं विभाग से प्रार्थना करता हूँ कि जो मुहाड़ी टू कोटपलाड़ी जो रोड है, इसमें विभाग ने किसी कंपनी को तार डालने के लिए जो खुदाई की है, वो जगह जगह जो खड्डे हैं हर 10-15 मीटर के बाद 4-4 फुट गहरे खड्डे हैं, जो नालियां हैं सब खराब है। और हम विभाग से प्रार्थना करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और हमारी जो बस है कोटपलाड़ी से होके जो मस्तगढ़ जाती है, ज्वाली जाती है, वो भी बंद पड़ी है और लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि 5 रुपये का किराया वहाँ लोगों को 200 रुपये की गाड़ी करनी पड़ रही है। इसलिए विभाग से है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। नमस्कार जी। ठीक है ना, इससे कोई भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और हमारी HRTC बस जो जसूर मस्तगढ़ बाया कोटपलाड़ी चलती थी, वो भी 2-2.5 महीने से बंद है। इस करके कोटपलाड़ी निवासी सभी इस चीज़ का विरोध करते हैं और जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट जो है वो इसकी दुरुस्ती करवाए। प्रधान कोटपलाड़ी से अशोक सिंह। ये एयरटेल कंपनी वालों ने फाइबर डाली थी, इसमें जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, सारे का सारा रास्ता खराब कर दिया है। 2-2.5 महीने से जो बस चलती थी वो भी बंद है, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आने जाने के लिए बाइक वगैरह भी स्किट होकर गिर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। और HRTC बस जो है बंद है, वो भी इधर से लगवाई जाए।